गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोगी को जय श्री राम। और आज श्री राम जी का प्रतिष्ठा स्थापित किया जाएगा, वो भी मंदिर में, वहाँ पे अयोध्या में। तो आज बहुत बड़ा दिन है, समझिए कि भारत का सबसे बड़ा दिन आज का दिन है कि राम जी अपने मंदिर में प्रतिष्ठा किए जा रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग भी कुछ तो कर नहीं पाए, थोड़ा अपनी ओर से वही तिरंगा झंडा लग रहा है राम जी का। तो इतने सालों के बाद तो राम जी का मूर्ति बैठाया जा रहा है। आज तक राम जी, इंसान झूठ मूठ का थक जाता है, क्योंकि आजकल तो भगवान को लोग भी नहीं छोड़ते हैं, तो इंसान क्या चीज़ है। तो इसी खुशी में आज आज पूरा देश झूम रहा है। आज है 22 जनवरी, और आज पूरे देश में उल्लास मची है और बहुत लोग जा रहे हैं अयोध्या देखने के। वैसे तो आम जनता को मना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो बड़े बड़े सब लोग आ रहे हैं, तो जिस हो जाएगा जब प्रतिष्ठा राम जी का, तब चला जाएगा किसी दिन हम लोग भी देखने। तो चलिए, ठंडी ठंडी हवा चले तन मन में है आप, जीना है ये बसातिया, मरना है ये बसातिया, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना। जय श्री राम। तो देखिए, हम लोग बैठ के टीवी में ही देख रहे थे, क्योंकि हम लोग तो अयोध्या जा नहीं पाए और अलाउ भी नहीं था आम जनता को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। बड़े बड़े स्टार सब, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब लोग वहाँ पे आए थे, और साउथ के स्टार, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आए थे, इसलिए आम जनता को अलाउ नहीं था। तो इसीलिए हम लोग टीवी पे ही बैठ के लाइव देख रहे थे। 12 बजे से हम लोग ने शुरू किया और बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था खुद अयोध्या में जाके हम लोग देख रहे हैं। और काफ़ी जैसे लगता था ना कि मन को शांति मिल रही है, इस तरह महसूस हो रहा था। और काफ़ी सुंदर मंदिर बना था, ऐसा सजा था जैसे लग रहा था कि स्वयं राम जी उतर के आ गए हैं। और उनकी मूर्ति तो आप देख लेंगे तो सोचेंगे कि क्या, बहुत ज़्यादा इतना अच्छा लग रहा था। टीवी में देखने पे इतना अच्छा लग रहा था, सोचो कि रियल में देखने में कितना अच्छा लगेगा। और देखिए, संजोग जिस टाइम मूर्ति पर स्थापना की बारी थी, उसी समय ग्रेट सूर्य भगवान भी 12 बजे करीब उगे थे। ग्रेट 12 बजे ही उगे थे, जैसे लग रहा था कि सभी देवी देवताएं स्वागत करने के लिए वो हो गए हैं, जैसे ऐसा महसूस हो रहा था। वैसे तो इंसान को दिखता नहीं है, मगर मेरा मन से लग रहा था कि ऐसा ही लग रहा है कि सारे देवी देवताएं ऊपर से जैसे फूल की बारिश कर रहे हो, वैसे लग रहा था। राम जी का मंदिर देखने से जैसे लग रहा था तो स्वर्ग है। तो इसी तरह हम लोग देखते रहे टीवी में ही। तो चलिए, आप लोग को भी दिखाती हूँ। बना रहे हैं वो, उसके बाद प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा का वो जो कार्यक्रम है वो विधिवत प्रारंभ होगा। वृक्षरा नक्षत्र है जो कि बात हो रही। देखिए, राम जी का जो चेहरा है मधुर मधुर मुस्कान के साथ, कैसा कैसा अजब सा उस पे चेहरे पे जैसे लग रहा है कि खुद राम जी अवतार ले लिए हैं, उस तरह से दिख रहा है। देखिए, मधुर मधुर मुस्कान की तरह उनकी जो बालपन, एक बालपन की टाइप होता है ना, बचपन की तरह, उस तरह उनका चेहरा वह पे तरह दिखाई दे रहा है। और मैं तो मूर्ति ही देख के दम बता नहीं सकती हूँ और बयान भी नहीं कर सकती हूँ अपने मुंह से, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था कि अब आप लोगों से मैं क्या कहूँ, बताइए। अगर टीवी में देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो अगर जाके वहाँ पे श्री राम का दर्शन करें अयोध्या में, तो मन को कितनी शांति मिलेगी। इनके
इनके चेहरे पे अलौकिक जैसे लग रहा था, सच में राम जी उसके अंदर आ गए हैं उस तरह से लग रहा था। तो चलिए बने रहिएगा मेरे वीडियो में। इंद्र की जय। उस मुस्कान के साथ, उस निश्चल भाव के साथ प्रभु श्री राम, जिन्होंने अपने पूरे जीवन कभी संयम नहीं खोया, कभी मर्यादा नहीं खोई, लोगों को सही रास्ता दिखाया, वो संस्कार दिखाया, वो जीवन जिया जिससे आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं, और उदाहरण के तौर पर उनके साथ उसके बाद काम खत्म होने के बाद फिर रात में शाम को 6 बजे चली गई अपनी मौसी के घर। मौसी सास हैं और उनके घर रामायण हो रहा था, तो हम थोड़े आधे घंटे के लिए गए थे क्योंकि बच्चे अकेले थे घर पे, फिर हमको वापस भी आना था, तो वही देखने चले। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और लाइक कर प्रेस करिए। जय श्री राम।